या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः जय दुर्गा माँ। ओंकारेश्वर मंदिर जो बाकुआ में है, यहाँ पर 9 दिनों तक दुर्गा पूजा का आयोजन हुआ है। आज 9वीं दिन है और आज की महारात्रि में पूजा विधि, कीर्तन, भजन और आचार्य जी का प्रवचन होगा। आशा करते हैं कि आप सभी पर माँ की कृपा बनी रहे। जय माता जी। ओम देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतो खिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम् त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। अति प्रेम सोले दुर्गा माता की। जरा जोर से बोलिए महालक्ष्मी माता की। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय दुर्गति काल विनाशिनी काली जय जय काल विनाशिनी काल विनाशिनी काली जय जय काल विनाशिनी उमा रमा ब्रह्माणी जय जय उमा रमा राधा सीता रुक्मणी जय जय राधा। अति प्रेम छोले दुर्गा माता की। भगवान वेद व्यास जी महाराज प्रार्थना कर रहे हैं आद्या शक्ति भगवती जगदम्बा की कि हे माँ किं वर्णयाम तव रूपम चिन्त्यमेतत् किं चाति वीर्यम सुरक्षयकारि भूरि किं चाहवे सुचरितानि तवाद्भुतानि सर्वेषु देव्य सुरदेव गणादिकेषु। हे मा किम वर्णयाम तव रूपम अचिंत्यमेतत्। माँ आपका जो अचिंतनीय रूप है जिसकी कोई उपमा ही नहीं दी जा सकती है, ऐसा अद्भुत स्वरूप मैं कैसे उसका वर्णन कर सकूं। माँ हमारे में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम उस अचिंतनीय रूप का वर्णन कर सकें। श्रोताओ भगवान वेद व्यास जी महाराज मां भगवती आदिशक्ति जगदम्बा का गुणगान करते करते और उन्होंने 24,000 श्लोकों में देवी भागवत महापुराण जैसे महान ग्रंथ की रचना कर दी। 24,000 श्लोक 24,000 वर्षन में और इतनी प्रार्थना उन्होंने की। स्कंद पुराण में, मार्कंडेय पुराण में और आखिरी में वेद व्यास जी महाराज क्या कह रहे हैं कि तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वरी यादृशोऽसि महादेवी तादृशाय नमो नमः। तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वरी। माँ अभी तक मैं तेरे तत्व को नहीं समझ पाया हूं। ये भगवान वेद व्यास जी कह रहे हैं कि अभी तक मैं तेरे तत्व को नहीं जान पाया। तव तत्त्वम न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वरी। माँ तू कैसी है, तू कहाँ है, अभी तक मैं कुछ नहीं जान पाया। इसलिए हे माँ तू जहां है जैसी है वैसे ही तेरे चरणों में बारंबार प्रणाम है। तो सोचिए श्रोताओ जब वेद व्यास जैसे ऋषि और माँ भगवती आदिशक्ति जगदम्बा दुर्गा की वंदना करते करते ऐसा कह रहे हैं तो श्रोताओं
हम आप लोगों की तो सामर्थ्य ही क्या है, जब इतने बड़े ऋषि और असमर्थ दिखा रहे हैं तो फिर हमारे में कहां इतनी सामर्थ्य हो सकती है। तो श्रोताओं, मां भगवती आदिशक्ति जगदम्बा, हमारे क्रांति दृष्टा ऋषियों ने ये जो विधान हमको दिया दुर्गा पूजा का, शारदीय नवरात्र, आप जानते हैं हम अभी शारदीय नवरात्र में हैं और इस समय पूरे देश भर में, मॉरिशस में विशेष रूप से, हर मंदिर में, हर गांव में, हर गली में सर्वत्र दुर्गा पूजाएं हो रही हैं, क्योंकि हमारे ऋषियों ने और बारंबार हमसे कहा है कि आप दुर्गा की पूजा करो। दुर्गा कौन है? तो कहा कि दुर्गा शक्ति है, आद्या शक्ति, महाशक्ति, पराशक्ति। मतलब क्या हुआ कि दुर्गा माँ वास्तव में शक्ति स्वरूपा है, और शास्त्र ने कहा कि संपूर्ण शक्ति का स्रोत दुर्गा माँ है, दुर्गा माँ से ही सारी शक्ति निकलती है। इसीलिए कहा कि आप दुर्गा की पूजा करो, शक्ति की पूजा करो, अर्थात आप शक्तिशाली बनो। सीधा सा अर्थ है कि आप शक्तिशाली बनो। शक्तिशाली क्यों बनो? क्योंकि मंत्र में, वेदों ने, उपनिषदों ने बहुत समय पहले ही कह दिया कि नयम आत्मा बलहीने न लभ्यः, कि उस परम तत्व को, उस परमात्मा को बलहीने न लभ्यः, जो बलहीन है, जो कमजोर है, वो उस परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकता है। श्रोताओं, इस संसार में भी कमजोर को कुछ नहीं मिलता है। अगर आप इस संसार में सब कुछ प्राप्त करना चाहते हो तो उसके लिए एक ही सूत्र है कि आप शक्तिशाली बनो, और मंत्र ने पहले ही कह दिया है कि भगवान भी शक्तिशाली को ही मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ? कमजोर के लिए न तो यहां है और न वहां है, कमजोर के लिए कहीं नहीं है। सीधा सा संदेश कि हिंदू धर्म कमजोर का धर्म नहीं है, क्योंकि यहां बारंबार शक्ति की बात की गई है कि आप शक्तिशाली बनो। और ये सारा विधान, ये व्रत का विधान, वास्तव में ये सब शक्ति प्राप्त करने के लिए ही है। ये हमारे शरीर को जो है अपुष्ट करने के लिए है, साइंटिफिक है, क्योंकि जब आपको शक्ति मिलेगी तभी सब कुछ हो सकता है। इसीलिए मंत्रों ने पहले ही कह दिया है कि नयम आत्मा बलहीने न लभ्यः, कि उस परमात्मा को, उस परम तत्व को प्राप्त करना है तो आपको शक्तिशाली बनना है। दुर्गा पूजा श्रोताओं वास्तव में शक्तिशाली बनने का एक प्रयोग है, एक प्रकार है, एक उपाय है जो हमारे ऋषियों ने हमको बताया। और इसीलिए माँ भगवती आदिशक्ति जगदम्बा दुर्गा की उत्पत्ति बहुत अद्भुत है। श्रोताओं, अभ्यास की आवश्यकता है, अगर अभ्यास नहीं रहेगा तो सब कुछ छूट जाएगा। वो एक बहुत सुंदर कहानी में एक दिन पढ़ रहा था कि एक किसान और खेत में गया, खेत जोता, खेत जोतने के लिए वहां गया फसल बोने के लिए। उसने देखा चारों तरफ जो है आकाश में और बादल छाए हुए हैं। किसान बहुत खुश हुआ, क्योंकि किसान बादल को देख के बहुत प्रसन्न होता है। बहुत खुश हुआ किसान कि अब तो बहुत सुंदर बरसात होगी। जैसे ही किसान ने खेत जोतना प्रारंभ किया, बादल ने आवाज दी। बादल ने कहा कि ए किसान, काहे को तू जमीन और जोत रहा है? क्योंकि मैं बरसने वाला नहीं हूं, मैं नहीं बरसूंगा, इसलिए तेरा खेत जोतना बेकार है। किसान ने कहा कि भाई आप क्यों नहीं बरसोगे? बादल ने कहा, यह तुम्हारा विषय नहीं है, मैं कह रहा हूं और केवल इस साल नहीं, आने वाले 12 साल तक मैं नहीं बरसने वाला हूं। किसान थोड़ा हताश हुआ, लेकिन फिर से उसने पूरी लगन से खेत जोता, बढ़िया से खेत को और समतल किया, बीज बोया,
और बीज बो करके चला गया, पानी तो बरसा ही नहीं, बादल नहीं बरसा, तो बादल बरसा ही नहीं, पानी नहीं बरसा, तो कैसे बीज होगा? नहीं हुआ। अगले साल फिर किसान ने आया और किसान ने फिर से खेत जोतना शुरू किया, बादल फिर आया, बादल ने फिर बोला कि अरे तू काहे को खेत जोत रहा है, मैं बरसने वाला नहीं हूं, मैं नहीं बरसूंगा। किसान ने कहा कोई बात नहीं, बादल को सुना किसान ने, लेकिन किसान ने अपना काम बंद नहीं किया। किसान ने फिर पूरे प्रेम से और उसी मेहनत के साथ उसने खेत जोता, बीज बोया, बीज बो करके घर चला गया, बादल नहीं बरसा, फसल तो हुई ही नहीं। अगले बरस फिर से किसान आया खेत में और फिर से उसने खेत जोतना के कार्य प्रारंभ किया, बादल फिर आया, बादल ने फिर कहा कि भाई अरे मैं बरसने वाला नहीं हूं, मैं नहीं बरसूंगा, तू काहे को मेहनत कर रहा है फालतू का, जब मैं तेरे को कह रहा हूं कि मैं नहीं बरसने वाला हूं, तू क्यों बिना मतलब में मेहनत पे लगा हुआ है। किसान ने कहा कोई बात नहीं, तुम नहीं बरसना चाहते हो मत बरसो, मैं तो खेत जोतूंगा, है ना, अब तुम बरसो या ना बरसो, लेकिन मैं तो खेत जोतूंगा, हम तो खेत चलाएंगे, बीज बोएंगे, अपना परिश्रम पूरा का पूरा परिश्रम करेंगे। तो बादल ने कहा भाई तो फिर क्या फायदा। देखिए श्रोताओं, किसान ने क्या कहा, बादल ने पूछा कि भाई तो क्या फायदा होगा, तो किसान ने कहा कि अगर हम हल नहीं चलाएंगे, अगर हम खेत नहीं जोतेंगे, अगर हम खेत में मेहनत नहीं करेंगे, तो हमारे बच्चे कहां से सीखेंगे, हमारे बच्चे अगर हम हल नहीं जोतेंगे तो हमारे बच्चे हल चलाना भूल जाएंगे, हमारे बच्चे बीज बोना भूल जाएंगे, ये सब भूल जाएंगे। तुम बरसो या ना बरसो, हमको तो अपना काम करना है। बादल बहुत खुश हुआ, बादल ने किसान की और उस निष्ठा को देखा तो बादल बहुत प्रसन्न हुआ, और प्रसन्न होकर के बादल उस साल खूब बरसा और खेत जो है धन धान्य से परिपूर्ण हुआ। कहने का मतलब यह है कि भाई अगर माता पिता पुराने लोग यदि काम छोड़ देंगे तो फिर आगे कैसे बनेगा, आगे की जनरेशन कैसे बढ़ेगी। यदि आप जो हैं थोड़ा सा आलस में आकर के और अपना ये सारा कर्म बंद कर दोगे तो बच्चे कहां से सीखेंगे, नहीं सीखेंगे। सतत प्रयत्न लगातार होना चाहिए, कर्मयोग को छोड़ना नहीं, निरंतर अभ्यास होना चाहिए। इसीलिए तो हमारे ऋषियों ने कहा कि 9 दिन तक बैठ करके शक्ति की उपासना करो। भाई एक दिन में नहीं सफलता मिली, दूसरा दिन, दूसरे दिन में नहीं सफलता मिली, तीसरे दिन, इसीलिए तो 9 दिन का विधान दिया, क्योंकि आप शक्ति की उपासना कर रहे हो, शक्ति को प्राप्त करने के लिए। क्योंकि शक्ति कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि आप बैठे दुर्गा जी के सामने आंख बंद किया और शक्तिशाली हो गए, ऐसी चीज तो है नहीं शक्ति कि आप बैठे वहां पर आपने उठाया और खाया आप शक्तिशाली हो गए, ऐसा नहीं है। शक्ति प्राप्त करने के लिए तो साधना करनी पड़ती है, तपस्या करनी पड़ती है। इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा कि कम से कम 9 दिन तक बैठ करके शक्ति का है, शक्ति के सामने उपवास कीजिए, अंतर हृदय में समाहित कीजिए, इस तार को वहां जोड़िए, जिस दिन ये तार वहां जुड़ जाएगा आप अथाह शक्ति संपन्न हो जाएंगे। सुरी देवी सरस्वती माँ, सुर का ज्ञान शिखर माँ, है हृदय सुर का दीप जला दे माँ, सुर का दीप चला दे माँ।
हो सुर की देवी सरस्वती माँ, सुर का ज्ञान सिखा दे माँ। सुर की देवी सरस्वती माँ, सुर का ज्ञान सिखा दे माँ। है अखियारा हृदय है अखियारा हृदय सुर का दीप जला दे माँ, सुर का दीप जला दे माँ। सरस्वती माँ सुर का ज्ञान सिखा दे माँ। सुर की देवी सरस्वती माँ सुर्ग दीप जला दे माँ, सुर्ग दीप जला दे माँ।
सरस्वती माँ सुर का ज्ञान सिखा दे माँ। सुर्गदीप जला दे माँ, 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 सुर्गदीप जला दे माँ। देवताओं ने और भगवान ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि हे भगवान, ये तो महिषासुर जो है ये तो सारे धर्म का नाश कर देगा, इसने तो धर्म को एक प्रकार से नाश कर दिया है, यज्ञ हवन सब बंद हो गए हैं, पूजा पाठ सब बंद हो गई है, भगवान तो क्या धर्म का नाश हो जाएगा? भगवान ब्रह्मा जी ने कहा नहीं नहीं, धर्म का तो कभी नाश हो ही नहीं सकता है, अगर धर्म का नाश हो जाएगा तो फिर तो सृष्टि का नाश हो जाएगा। तो देवताओं ने कहा भगवान फिर क्या करें, धर्म को कैसे बचाएं, क्योंकि महिषासुर को मारना ही पड़ेगा, धर्म को बचाने के लिए अधर्म का नाश तो करना ही पड़ेगा, इसलिए हे भगवान उपाय बताइए। और बहुत बड़ी कथा है श्रोताओं, क्योंकि मैं तो संक्षेप में आपको कथा सुना रहा हूं। ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा कि हे देवताओं, भगवान विष्णु के पास उपाय होगा, चलिए भगवान विष्णु के पास चलते हैं महिषासुर को मारने का उपाय। भगवान विष्णु के पास गए देवता लोग ब्रह्मा जी के साथ में। भगवान विष्णु ने कहा कि महिषासुर को मारने का उपाय, क्योंकि मैं नहीं मार सकता हूँ, वचनबद्ध हूँ, उसको वरदान ही ऐसा मिला हुआ है, चलो भगवान महेश्वर के पास चलें। भगवान महेश्वर के पास गए, भगवान शिव के पास में, सभी देवता भगवान नारायण भगवान ब्रह्मा ये सब जो हैं, जब भगवान शिव के पास गए तब भगवान शंकर ने कहा कि हे देवताओं, महिषासुर राक्षस का नाश करने का उपाय जरूर है, इस महिषासुर का नाश हम लोग नहीं कर सकते हैं, इस महिषासुर का नाश जो है वो केवल मात्र वो आद्याशक्ति कर सकती है, दुर्गा ही कर सकती है। तो देवता लोग बड़े प्रसन्न हुए कि दुर्गा और वही राक्षस का नाश कर सकती है, प्रसन्न हुए। लेकिन थोड़ी घड़ी के बाद देवता लोग जो हैं वो आश्चर्य में पड़ गए, वो सोच रहे हैं, मालूम तो चला कि दुर्गा कर सकती है, लेकिन ये नहीं जानते हैं दुर्गा कहाँ है। तो कुछ देवताओं ने कहा कि वो दुर्गा देवी लोक में है, तो कुछ देवताओं ने कहा नहीं नहीं, वो देवी लोक में नहीं है, वो तो ब्रह्म लोक में है। तो कुछ देवताओं ने कहा नहीं 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 नहीं, वो ब्रह्म लोक में नहीं है, वो तो स्वर्ग लोक में है। तो कुछ लोगों ने फिर विरोध किया, नहीं नहीं वो तो वहां नहीं, वो तो वैकुंठ में है। और इस तरह से देवताओं देवता लोग जो है सब अलग अलग भाषा बतिया रहे हैं। तब भगवान शंकर ने कहा हे देवताओं, तुमको दुर्गा नहीं मिल सकती है, तुमको दुर्गा नहीं मिल सकती। देवताओं ने कहा क्यों नहीं मिल सकती? तब भगवान ने कहा अभी तक तो तुम्हारे विचार एक नहीं हुए, अभी तो तुम जो हैं अभी तुम आपस में बंटे हुए हो, न तुम्हारे विचार एक हैं न तुम्हारे भाव एक हैं, तुमको दुर्गा कभी नहीं मिल सकती है। दुर्गा तो तभी मिल सकती है जब आदमी के विचार भाव सब एक हों। और तब जब भगवान शंकर ने देवताओं को समझाया, तब देवताओं को ये बात समझ में आई, तब भगवान शंकर ने कहा हे देवताओं, अरे जिस दिन तुम्हारे विचार एक हो जाएंगे, जिस दिन तुम में एकता हो जाएगी, जिस दिन तुम्हारे भाव विचार सब एक हो जाएंगे, उस दिन तुमको दुर्गा को ढूंढने जाने की जरूरत नहीं होगी, उस दिन तुम जहां खड़े हो करके और दुर्गा को पुकारोगे वो दुर्गा वहीं आ जाएगी। और श्रोताओं, तब भगवान ने कहा कि चलो हम सब लोग मिल करके उस आद्या शक्ति का वंदन करते हैं, उसको पुकारते हैं।
तो सब देवता और दुर्गा माँ को पुकार रहे हैं, आइए आप भी और देवताओं की प्रार्थना में अपना स्वर मिलाइए। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततम् नमः, नमः प्रकृते भद्रायै नियत प्रणता स्मताम्, रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्यै धात्रे नमो नमः, ज्योत्स्नाय चेन्दुरूपिण्ये सुखायै सततम् नमः, कल्याणे प्रणताम् वृद्धे सिद्धे कुर्मो नमो नमः, नैऋत्ये भूभृतां लक्ष्मे सर्वाण्ये ते नमो नमः, दुर्गाये दुर्गपाराये साराये सर्वकारिण्ये ख्याते तथैव कृष्णाये धूम्राये सततं नमः, अतिसौम्यातिरौद्राये नतास्तस्ये नमो नमः, नमो जगत प्रतिष्ठाये देव्ये कृत्ये नमो नमः, या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता, नमस्तस्यै 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 नमो, या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः, या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः, या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः, या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः, या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः, या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै, या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः, शुग्नम् वरदनम् देवम् शशिवरदनम् चतुर्भुजम् प्रसन्नवरनम् सर्वविघ्नो प्रशान्ते सर्वविघ्नो प्रशान्ते, प्रेम से बोलिए श्री गणेश महाराज जी, जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश देव मैं करूं तेरी
शेष देव मैं करूं तेरी सेवा बिन तीन दुख राना तुम प्रभु जी बिन तीन दुख राना तुम जय गणेश देव मैं करूं तेरी Whoa.
प्रकार से जब देवता लोग वंदन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान वेद व्यास जी महाराज कथा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि प्रार्थना करते करते भगवान नारायण के शरीर से एक दिव्य प्रकाश निकला। और आज की प्रार्थना इतनी अद्भुत थी कि सारे देवताओं का शरीर रोमांचित हो गया। क्यों था ऐसा आज? क्योंकि आज सब देवताओं के भाव एक हो गए। आज किसी कोई एक दूसरे को देख करके नहीं जल रहा है, सारे वैमनस्य समाप्त हो गए। जब सारे वैमनस्य समाप्त हो जाता है, दूसरे के प्रति जो सारी दुर्भावनाएं हैं, जब दुर्भावनाएं समाप्त हो जाती हैं, जब मन निर्मल होता है, तो प्रार्थना अद्भुत हो जाती है। और आज यही हुआ। देवता और प्रार्थना करते करते सारे देवताओं का शरीर रोमांचित हो गया, भगवान शंकर के शरीर से भी, और एक दिव्य प्रकाश निकला। भगवान ब्रह्मा के शरीर से भी प्रकाश निकला, प्रार्थना करते करते वो सारा का सारा प्रकाश एकत्र हुआ, इकट्ठा हुआ, और पूरे देवताओं के शरीर से भी एक दिव्य प्रकाश निकला। और वो सब उस महाप्रकाश में जाकर के विलीन हो गया। घड़ी भर के बाद एक अद्भुत सन्नाटा, घड़ी भर के बाद आकाश में बिजली कौंधी, गर्जना हुई, और सामने बादलों के बीच में हजारों हजारों भुजाओं वाली भगवती आदि शक्ति जगदम्बा और दुर्गा माँ का आविर्भाव हो गया। या देवी खड्गहस्ता सकल जनपदा व्यापिनी विश्व दुर्गा श्यामांगी शुक्लपाशा द्विजगण गणिता ब्रह्मा देहार्धवासा ज्ञानानां साधयन्ती यतिगिरि गमना ज्ञान दिव्य प्रबोधा सा देवी दिव्यमूर्ति प्रदहतु दुरितं चंडमुंड प्रचंडा। वो हजारों हजारों भुजाओं वाली भगवती आदि शक्ति जगदम्बा दुर्गा माँ और प्रकट हो गई, उसका आविर्भाव हो गया। देवताओं ने दुर्गा माँ की जय जयकार की, देवता बहुत प्रसन्न हो गए, क्योंकि उनके शत्रु महिषासुर का नाश करने वाली भगवती जगदम्बा का प्राकट्य हुआ, दुर्गा अवतरित हो गई। मैं केवल आपको एक चीज समझाना चाह रहा हूं श्रोताओं, कि दुर्गा कहां से आई, शक्ति कहां से आई, यही समझने वाली बात है। पूरी कथा का निचोड़ यही है कि शक्ति कहां से आई। शक्ति कहीं बाहर से नहीं आई। हम यहीं पर गड़बड़ा जाते हैं। हम सोचते हैं कि कोई आएगा वो हमारा भला करेगा, कोई आएगा वो हमारा उद्धार करेगा, उत्थान करेगा। श्रोताओं, इस तरह का विचार अच्छा नहीं है। अरे आपको कोई दूसरे का भला कौन करेगा? कोई दूसरे का कल्याण नहीं कर सकता है श्रोताओं, कल्याण आपको स्वयं का करना होगा। यही तो बताने के लिए महर्षि वेदव्यास जी ने इस कथा की संरचना की कि दुर्गा कोई बाहर से नहीं आई, शक्ति बाहर से नहीं आई। शक्ति कहाँ है? आपके भीतर है, शक्ति हमारे भीतर है। ये संदेश स्पष्ट है। यदि एक परिवार चाहता है कि उसके घर में दुर्गा उत्पन्न हो जाए, उसकी शक्ति उसके घर में आ जाए, तो क्या यही सूत्र है कि सारे परिवार का भाव विचार एक हो जाना चाहिए? जब तक सारे परिवार में एकता नहीं होगी, कैसे होगी? एक भाई दूसरे को लेके सुप्रीम कोर्ट में खड़ा हो रखा है, तो वहां कैसे हो सकती है शक्ति? वहां दुर्गा कैसे आएगी? वहां तो दुर्गा नहीं आएगी। दुर्गा की जो दूसरी बहन है दरिद्रता, वहां तो दरिद्रता ही आएगी। यही संदेश। और आपके गांव के लिए है, अगर आप चाहते हैं कि आपके गांव में दुर्गा आ जाए, शक्ति आ जाए, तो भाई सारे गांव वालों का भाव विचार एक होना चाहिए। जब तक सारे गांव में एकता नहीं होगी, दुर्गा नहीं आ सकती है। जब तक आपका भाव विचार एकता जब तक आप में नहीं होगी, तब तक जो है शक्ति का आविर्भाव नहीं होगा, तब तक आप शक्तिशाली नहीं बनेंगे। यही कथा हमारे महर्षि वेद व्यास जी ने और दुर्गा सप्तसती में देवी भागवत महापुराण में हमको कही कि दुर्गा कहीं बाहर नहीं, अर्थात दुर्गा हमारे भीतर में है। इसीलिए
हमको कहा कि कम से कम 9 दिन तक बैठ करके अपने भीतर उस दुर्गा को प्रकट करें, उस शक्ति को प्रकट करें, उस का साक्षात्कार करें, उस चीज़ को समझें। जिस दिन हमको वो चीज़ समझ में आ गई श्रोताओं, तो उस दिन कल्याण। लेकिन हम सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन उसको प्रयोग में नहीं कर पाते हैं। कारण ये है कि हमारे महात्मा लोग कहते हैं कि भाई 3 प्रकार की बुद्धि होती है। 3 प्रकार की बुद्धि, एक गुरुजी कथा सुना रहे थे कि 3 प्रकार की बुद्धि है। वो 3 प्रकार की बुद्धि कौन कौन सी? पहले कहा कंबल बुद्धि। कंबल जानते हैं आप? पहले प्रकार की बुद्धि कंबल बुद्धि, दूसरे प्रकार की बुद्धि पत्थर बुद्धि। पत्थर आप समझते हैं, पत्थर बुद्धि। और तीसरे प्रकार की कहा बांस बुद्धि, जैसे बांबू होता है बांस बुद्धि। मतलब समझ में आया? कंबल बुद्धि, कंबल, कंबल में एक सुई घुसा दो और सुई घुसा करके बाहर निकालो, पता चलेगा कहां पे सुई घुसी थी? पता लगेगा? नहीं लगेगा। इसको कहते हैं कंबल बुद्धि। कितना घुसाओ उसकी बुद्धि में, है ना, जितनी कथा सुनाओ यहां पर वो कथा सुनेगा, लेकिन जैसे ही बाहर चल बाहर गया कथा सब गायब। कंबल बुद्धि। तो पहले प्रकार की बुद्धि है कंबल बुद्धि, दूसरे प्रकार की है पत्थर बुद्धि। पत्थर में बहुत मुश्किल लगता है छेद करने में उसको, है ना, बहुत मुश्किल से छेद होता है, लेकिन जब छेद होता है तो हो जाता है छेद, है ना, फिर उसको बंद नहीं किया जा सकता है छेद को। ये दूसरी बुद्धि है, है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बार 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 उनको और बोलना पड़ता है, तब जा करके थोड़ा सा उनको समझ में आता है। पूरा तो आ नहीं सकता है क्योंकि पूरा छेद करना असंभव। और तीसरे बुद्धि कहा बांस बुद्धि। बांबू को देखा आपने, बांबू को चाकू लगाओ ऊपर से आगे अपने आप फटता जाता है, चलता जाता है, बस ये है बांस बुद्धि। ये है बुद्धिमान कि जरा सा कथा सुनाओ और आगे की बात वो खुद ही समझने लग जाता है, खुद ही समझने लग जाता है। तो हमको बांस बुद्धि की जरूरत है, पत्थर बुद्धि और कंबल, कंबल बुद्धि तो चाहिए ही नहीं। तो इस प्रकार से हम सुने लेकिन उसको हृदयंगम करें। जब तक हम और कथा को हृदयंगम नहीं करेंगे श्रोताओं, वो हमारी समझ में नहीं आएगा। अति प्रेम सूर्य दुर्गा माता की। तो इस कथा के माध्यम से ये जो नवरात्र, इस वर्ष का जो नवरात्र है वो आज समाप्ति पर है। आपने 9 दिन तक व्रत किया, प्रार्थना की। मैं अपनी ओर से, मॉरिशस सनातन धर्म टेंपल फेडरेशन की ओर से प्रार्थना कर रहा हूँ माँ भगवती आदिशक्ति जगदम्बा से कि माँ भगवती आदिशक्ति जगदम्बा आप सबके घरों में सुख समृद्धि दे, आपके घर में सब मंगल हो, कोई अमंगल न हो, सबकी बुद्धि धर्ममय हो। और साथ ही साथ ये प्रार्थना है कि आप अपने घर में प्रेम से रहें, इस कथा को समझें, क्योंकि पूरी की पूरी 9 दिन की जो कथा है उस कथा का सार ही प्रेम है। आप अपने घर में प्रेम से रहो, है ना। जिसने प्रेम को समझा, इसलिए कबीर कह गए कि ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। जिसने प्रेम को समझा, समझ लीजिए वो पंडित हो गया। तो आप इस प्रेम को समझिए, आपस में प्रेम से रहिए, निश्चित रूप से आपके सारे दुख दरिद्र दूर हो जाएंगे। ये बहुत आसान तरीका है सारी बुराइयों से, सारे दुख से दूर होने का, कि आप आपस में और प्रेम बरसाना शुरू कर दें, प्रेम फैलाना शुरू कर दें। यही मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ इस कथा के अंत में कि आप अपने घर में, अपने आपस में, अपने पड़ोस में, पूरे देश में सर्वत्र प्रेम से रहिए। फिर देखिए कि माँ दुर्गा की कितनी कृपा आपके ऊपर होती है, क्योंकि माँ दुर्गा और अथाह कृपालु हैं, दयालु हैं श्रोताओं, इस बात को समझना।
और इस प्रेम की गांठ को पकड़ करके बैठना। अति प्रेम से बोले दुर्गा माता की, जरा जोर से बोले महालक्ष्मी माता की। मैया तू सबसे बड़ी है, उससे बड़े तेरे नाम, नमन कर हम शीश झुका के, मैया बारंबार, मैया बारंबार। तेरी शक्ति से मैया ये संसार बनी है, तेरी भक्ति से मैया मनुष्य रूप मिला है, तेरी शक्ति से मैया ये संसार बनी है, तेरी भक्ति से मैया मनुष्य रूप मिला है। मैया तेरे चरणों में आके बारंबार नमन करूं, बारंबार नमन
भगवती जगदंबाय नमः। ओम कदली गर्भ संभूतम कर्पूरम तु प्रदीपितम आरार्तिक्यमहं कुर्वे पश्यमे वरदो भव कर्पूर गौरम। भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं। निर्धन की झोपड़ी राजा की हवेली हो निर्धन की झोपड़ी